नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा जन्माष्टमी पर्व, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ विराजित हुए माखनचोर। दो तिथियों में मनाया जा रहा जन्माष्टमी पर्व, कृष्ण मंदिरों में हो रहे विविध आयोजन। नहीं थम रहा वन्य प्राणियों के शिकार का सिलसिला, एक चीतल का फिर हुआ शिकार, चार आरोपी गिरफ्तार, वारासिमी का मामला। मोती तालाब के पानी निकासी बनी समस्या, नाली खोदे जाने का वार्डवासियों ने किया विरोध, अधिकारियों ने समस्या का समाधान का जताया भरोसा। समनापुर टेकारी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक सहित चार घायल, एक गंभीर, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यातायात पुलिस ने कार्यवाही के दौरान भाजपा नेता के वाहन को रोका, हूटर रखने की अनुमति की जानकारी पर छोड़ा वाहन। और अब समाचार विस्तार से। जन्माष्टमी का धार्मिक पर्व हिंदू परंपराओं के अनुरूप हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व की तैयारी नगर सहित ग्रामीण अंचलों में जोर शोर से की जा रही है। रविवार को हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ कृष्ण भक्तों के द्वारा मुरली मनोहर श्री कृष्ण की मनोहारी प्रतिमा अपने घरों में विधि विधान से विराजित की गई। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस वर्ष जन्माष्टमी पर्व की दो तिथि होने के चलते रविवार और सोमवार को यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस पर्व को लेकर बाजारों में भी काफी रौनक रही। लोगों के द्वारा इस पर्व को लेकर जमकर खरीदारी की गई। सोमवार को नगर के दोनों राम मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अभी कुछ दिन पूर्व ही द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया था। इसके इस युग के पहले द्वापर युग का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का, उनकी आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हमेशा दो दिन का रहता है। हर वर्ष पहले दिन मथुरा वाले मनाते हैं, दूसरे दिन वृंदावन वाले मनाते हैं। हर वर्ष यही स्थिति खड़ी होती है। कोई तिथि पकड़ता है, कोई नक्षत्र पकड़ता है, उस मान से आज भी रविवार के दिन भी मनाई जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में हैं तो आज रविवार को मना रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वृंदावन, अयोध्या, पुराना श्री राम मंदिर, बालाघाट, नया राम मंदिर, इन सब जगह कल सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है सोमवार के दिन? ये इसका ये कारण बनता है कि कोई लोग सूर्योदय को महत्व देते हैं, कोई चंद्रोदय को महत्व देते हैं। वैसे इसमें चंद्रोदय के महत्व की विशेष प्रधानता है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है। उस मान्यता को लेते हुए भी दूसरे दिन वैष्णवा नाम करके लिखता है, और वैष्णवा नाम मंदिरों में दूसरे दिन का ही पर्व मनाया जाता है, जिस कारण से कल सोमवार को यह पर्व मनाया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? पुराने श्री राम मंदिर में कल 1 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कल गीत गोविंद भजन गायन था। आज डांस की प्रतियोगिता है, कल सामूहिक डांस है, और भगवान श्री कृष्ण के जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर घर घर विराजित कृष्ण लला के स्वागत पर रात भर भक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। Thank you.
इसी तरह परसवाड़ा में भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आसपास के क्षेत्र सहित परसवाड़ा में भी भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए लोगों द्वारा कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना की गई। बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, देर शाम कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने अपने घरों पर स्थापित कर पूजा अर्चना करते ग्रामीणों ने भगवान कृष्ण को पूरी साज सज्जा के साथ स्थापित किया। इसके अलावा देर रात तक भजन कीर्तन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ किए जा रहे हैं। इसी तरह वारासिवनी में भी जन्माष्टमी पर्व की धूम रही। प्रमुख बाजारों सहित अन्य स्थानों में रविवार को रौनक रही, जहां लोगों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा सहित पूजन सामग्री खरीदी। वहीं इस अवसर पर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर का भ्रमण कर कुम्हार के घर पहुंची, जहां से भगवान की प्रतिमा को खिलिया मुठिया देव परिसर में लाकर स्थापित किया गया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पुराने राम मंदिर में गीत गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वैश्य समाज के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, श्री कुमार शुक्ला रहे, जिनकी मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। यह आयोजन 3 सितंबर तक प्रमुख अतिथियों की उपस्थिति में किया जाएगा। जो
2017 में समर्थन मूल्य पर अपना उपार्जन बेचने के लिए जिले के 1,01,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, लेकिन इस वर्ष पंजीयन कराने की जटिलता को देखते हुए अब तक महज 27,000 किसानों ने ही समर्थन मूल्य पर उपार्जन बेचने के लिए अपना पंजीयन कराया है, जिसे देखते हुए शासन ने पंजीयन के लिए बनाए गए नियमों को सरल कर दिया है, जिसकी तमाम जानकारी जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि सरकार ने पंजीयन के लिए 2 बैंक खाते, भू अधिकार ऋण पुस्तिका, खसरा अन्य दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर में अपलोड दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, जिसके चलते जिले के किसान एक बैंक खाते और खसरा व भू अधिकार ऋण पुस्तिका की छायालिपि पर स्वयं हस्ताक्षर कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2018 अंतर्गत जो पंजीयन हो रहे थे समर्थन मूल्य अंतर्गत जींस जैसे धान या और मोटा अनाज के विक्रय हेतु जो पंजीयन हो रहे थे, उस पंजीयन में शुरुआती दौर में शासन के द्वारा पंजीयन नीति में ये निर्देश जारी किए गए थे कि एक किसान के कम से कम 2 खाते होने चाहिए और जो भूमि का रिकॉर्ड उनके द्वारा दिया जा रहा था खसरा बीवन या भू अधिकार पुस्तिका, तो उसका एक पोर्टल के माध्यम से वेबसाइट पर ही सत्यापन होना था। इस कारण से बालाघाट जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ बालाघाट जिले में गत वर्ष 1,01,000 पंजीयन थे, उसकी तुलना में इस वर्ष मात्र 27,000 के पंजीयन हो पाए थे। इन बातों का में जो दिक्कतें थी इस संबंध में शासन स्तर से अनुरोध किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में शासन से कल एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो 2 खाते की अनिवार्यता है, एक तो वो खत्म कर दी है, अब केवल कोई भी एक बैंक का खाता होगा तो पंजीयन होगा। दूसरी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी वो थी भूमि पोर्टल से उसका सत्यापन होना, तो उसको रिलेज कर दिया गया है। अब वो मैनुअल B1 की या भू अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित करके भी उपार्जन केंद्रों पर देगा तो वहाँ पर उसका पंजीयन हो सकेगा।
और इसके साथ ही इसकी जो उपार्जन पंजीयन की जो अंतिम तिथि थी 11/9 उसको बढ़ाकर 20/9 कर दिया गया है। तो मेरा समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध होगा कि वो अब उपार्जन केंद्रों पर जो दस्तावेज हैं, कोई एक बैंक के खाते की ऋण पुस्तिका और दूसरा आप उसकी खसरा या B1 या पासबुक में से कोई भी जो उपलब्ध दस्तावेज वो लेकर केंद्रों पर जाएं, उनका पंजीयन समस्त पंजीयन केंद्रों पर सुनिश्चित हो सकेगा। हट्टा क्षेत्र अंतर्गत लोहारा चौक में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक वृद्ध घायल हो गया। घायल वृद्ध फूलचंद अड़मे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह हादसा उस वक्त घटित हुआ जब फूलचंद अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर घर लौट रहा था। वाहनों के डाले हटाने RTO द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रविवार को भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रंगलानी के द्वारा RTO के साथ बात करने के बाद इस समस्या का समाधान होने की बात कही जा रही है। इस संबंध में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय हरिनखेड़े ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक रखी गई थी एक समस्या को लेकर के। मैं अजय हरिनखेड़े, बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। हमारे यहाँ अभी 20 तारीख से जो छोटी गाड़ियाँ हैं, इनके डाले का छोटी बड़ी जो भी गाड़ियाँ हैं, ये डालों के मॉडिफाइन को लेकर के RTO चालानी कार्रवाई कर रहे थे, जिसके विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमारा आज माननीय रंगलानी जी से मिला और अपनी समस्या रखी और उन्होंने RTO साहब से बात की इस बारे में। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकालते हुए हमें बताया कि भाई इसकी परमिशन हमको अलग से लेनी पड़ेगी RTO कार्यालय से। तो हम बुधवार को सभी लोग एक आवेदन के माध्यम से सभी गाड़ी वाले अपना मंगलवार को पूरे लोग अपने यानी अनुमति RTO में जाकर अनुमति ले लेंगे, उसके बाद मॉडिफाई। क्या नाम है? तो सर अजय हरिनखेड़े में। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की आवश्यक बैठक नगर के रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में आहूत की गई। इस बैठक में आदिवासी विकास परिषद से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह उइके ने बताया कि परिषद के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया गया है। ये हमारी मासिक बैठक रहती है हर माह के प्रथम इतवार के दिन। तो ये जनरल मीटिंग है, इसमें हमारे अपने विकास परिषद संबंधी जो भी समस्याएं हैं और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर मीटिंग में कर रहे हैं। क्या निर्णय लिए गए, कैसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं? अभी तो हम सदस्यता में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक मेम्बर बनाएँ और इसी की सदस्यता के लिए हम बाहर भी जा रहे हैं। हमारे विकास परिषद में लोगों की संख्या बढ़ना चाहिए। अभी कितनी संख्या और कैसी प्रक्रिया है इसकी? अभी तो सदस्यता हमारी करीबन 150 से ऊपर लोग हैं, और भी बढ़ाना है हमको सदस्यता ताकि आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं उसके लिए अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। क्या चुनाव की तिथि आ चुकी है? अभी तिथि तय नहीं। किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाला में मवेशी को कांजी हाउस ले जाने को लेकर एक वृद्ध को बाप बेटे ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। घायल वृद्ध नथू सिंह बैस को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक नथू सिंह के द्वारा खेत में घुस आए मवेशी को कांजी हाउस ले जाते समय किसान कासी राम के साथ विवाद की स्थिति बनी थी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद बालाघाट के सदर का चुनाव रविवार को संपन्न किया गया, जिसमें अब्दुल हनीफ खान को आम रायशुमारी से अंजुमन इस्लामिया कमेटी जामा मस्जिद बालाघाट का नया सदर चुना गया है। आपको बता दें कि यह चुनाव आवाम के कुछ लोगों द्वारा गठित सरपरस्त कमेटी के द्वारा अंजुमन बायलॉज सोसाइटी एक्ट के अनुसार कराया गया है, जिसके तहत रविवार को अंजुमन इस्लामिया कमेटी की कमान 3 वर्षों के लिए अब्दुल हनीफ खान के हाथों में सौंपी गई है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अवाम द्वारा चुने गए नए सदर अब्दुल हनीफ खान ने बताया कि वे अपने कार्यकाल के दौरान अवाम के हित के लिए कार्य करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है शकील अहमद रिजवी, इनकी अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड के सदस्य और हमारी पूरी जमात जितने भी थे, अपने चंदा देन लोग जितने भी
सब आए, सब ने फिर वो मेरा नाम प्रपोज किए और हमारी एक नई कमेटी बनी है आम राय तुम्हारी से, और जो इनकी पुरानी कमेटी थी जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ये हो रहे थे, उसके लिए हमने एक नई कमेटी बनाया, ना कोई इसमें लड़ाई हो ना झगड़ा हो, शांति से सब पूरा काम हो जी। इसके बायलॉज के हिसाब से चुनाव कर रहे हैं इसके हिसाब से जी। वफ्त बोर्ड कमेटी का भी कुछ दखल देखा गया था, जैसे पिच में उन्होंने बोले थे कि आज चुनाव जो आज की जो डेट दी गई थी इसमें चुनाव संपन्न नहीं कराए जा सकते, इस बारे में क्या विचार है? वक्फ बोर्ड का ऐसा है कि भोपाल का है हमारा वक्फ बोर्ड का, जो हम लोग यहाँ पर जो वक्फ की हुई ज़मीन है वो उसके यानी उसके जो बनता परसेंटेज साल का उसको हम 7% देते हैं, मगर जो अंजुमन वक्फ बोर्ड में यानी अंजुमन में उनका कोई दखल नहीं है इस मामले में, और बालाज के हिसाब से जो हमने चुनाव करवाया जिसको हम आवाम चलाती है यानी हम लोग जितने चंदादेन हैं वो अपना एक सदर चुन सकते हैं। क्या कारोबार की चाबी आपने ले लिए हैं या कैसा क्या? नहीं लिए अभी तो बनाए हैं हमने अभी इसकी, वो तो पहुंचा दिए होंगे ना वक्त बोर्ड को कि वहीं इस मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कमेटी के जिला अध्यक्ष अनिश मेनन ने इस चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए इस चुनाव को मानने से इनकार किया है। चुनाव चूंकि एक आवाम के माध्यम से संपन्न हुए, किस रूप में देखते हैं इन चुनाव को आप? ये चुनाव है ही नहीं किसी तरीके से, चुनाव का अधिकार कलेक्टर महोदय और वक्फ बोर्ड के आदेश के तहत ही होगा, जिसका खंडन खुद कल कलेक्टर महोदय ने कर चुके हैं कि 2 तारीख को किसी तरीके का चुनाव यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। आज जो चुनाव हुआ है इसको संवैधानिक तरीके से मान्यता नहीं है, और ये जो जिनको भी इन्होंने सदर चुना है उसको वक्फ बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी। तो क्या ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड चाहेगा फिर से चुनाव? वक्फ बोर्ड ने कल भी इस चीज़ के बारे में पेपर में विज्ञप्ति दे चुके हैं कि वक्फ बोर्ड बहुत जल्द चुनाव की घोषणा करने वाला है, और हम बात कर रहे हैं कानूनी मान्यता के तहत जिस तरह हमारी मतदाता लिस्ट बनी है और भी जैसी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत हम यहाँ चुनाव कराएंगे, और अगर चुनाव की किसी तरीके की कोई विवाद नहीं होगा तो हम आम राय से भी किसी को चुनाव सदर बना सकते हैं। अभी जो कमेटी बनाएगी ये मान्य रहेगी कि नहीं? ये कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, ये कमेटी सिर्फ यहाँ की आवाम को गुमराह करने के लिए बनाई गई है, इसको वक्फ बोर्ड जब तक के मान्यता नहीं देगा जब तक के यहाँ पे चार्ज हम उनको दे ही नहीं सकते। नगर के वार्ड नंबर 23 स्थित भूरा भगत चौक पर पानी निकासी के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद द्वारा नाला खोदे जाने को लेकर वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त है। नाली खोदने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने और आने जाने की दिक्कतों को लेकर और बगैर नोटिस के पान ठेलों को हटाए जाने को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। पहले तो बोले की पत्थर पत्थर हटा के अंदर से बोले कचरा में, मैं खुद बात करी थी बोले कचरा, वो एक लड़का था बोले नहीं पूरा तोड़वा तो उसने बोल के गया था हाथ से निकाल दे बेटा पानी निकालने के लिए जाने के लिए मट्टी हटा दे बेटा थोड़ी सी, हाँ थोड़ी मट्टी हटा दे बेटा। ज्योति पीपरा। अब मैडम क्या समस्या जा रही है? ये देखिए जब बारिश का जो पानी भरा है, इतने साल 2 साल हो गए नाली बना है, नाली से पानी निकल नहीं रहा है, अब जब ज्यादा बारिश हो गई तो पूरा तोड़ा बोड़ी कर रहे हैं, तो क्या घर से भी क्या है कि पूरे अब आने जाने की व्यवस्था है ही नहीं है, रात को 1 बजे तक ये पाइप जैसा पाइप डाले वैसे घर के सामने भी पाइप डाले है, सभी लोग को तो आने जाने में परेशानी हो रही, सबको हो तो, पर हम घर में से कहाँ से जाएंगे, ये नाला से तो जा नहीं पाएंगे। ये पाइप देखो नल कल से नल का पाइप टूटा है, पानी की व्यवस्था करें ना, टैंकर लाके खड़े करें ना यहाँ पे, पानी कल से नहीं है, चलो हेडपंप तो ले लिए, त्योहार का दिन है आज, पानी कनेक्शन तोड़ डाला, ये कल तो रास्ता व्यवस्था नहीं है, कहाँ से जाएंगे हम लोग, ये नाला से तो जा ही नहीं पाते। हाँ। क्या समस्या जा रही है अभी? ये तोड़ रहे अधिकारी कलेक्टर साहब अच्छे कर रहे हैं, हम खुश हैं। हाँ। पानी जाना चाहिए लेकिन हमारा व्यवस्था करें यहाँ पे पानी का, ये नल सारे कनेक्शन टूटे हुए हैं, हम लोग कल से पानी नहीं, पानी पानी को तरस रहे हैं, कहाँ से पानी पियेंगे, न यहाँ हैंडपम्प है न कोई चीज है, अभी तक के कहाँ गई थी शासन, सोई हुई थी क्या? मतलब
वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए आप लोगों की। हाँ, हमारा व्यवस्था होना चाहिए, पानी का टैंकर ला करके खड़े करें यहाँ पे जनता के लिए, पानी नहीं है हमारे घरों में। एक तो आज भगवान आज जन्माष्टमी छठी है, कहाँ से पानी लाएं, कैसे पूजा करेंगे, नहाए नहीं है, देख रहे हैं। इस कार्रवाई के संबंध में पान ठेला के मालिक याकूब खान ने जहां एक ओर आक्रोश जताया, इस बारे में हमको कोई सूचना नहीं थी, कुछ नहीं बताया। नहीं, जैसे क्या उठाएंगे उस समय दुकान आप? हाँ, वो तो सबको उठाए तो चली रही ना मशीन, हमारे घर तक आई गई मशीन। तो प्रशासन का सहयोग करेंगे आप? अब सहयोग का है, हमको जो परेशानी होगी उसका सामना करना पड़ेगा हमको। क्या परेशानी होगी? हमारे धंधे की बिजनेस है, हम तो रोज कमाने खाने वाले हैं, है ना। मैं वैसे बीमार पेशेंट हूँ, जैसे तैसे हम लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं यहाँ पे। आपके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, मेरा तो झोपड़ा दिख रहा है यहाँ पर, सबसे छोटा मेरा ही झोपड़ा है, सबसे गरीबी मई मोहल्ले में यहाँ पे। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ जमील अख्तर खान ने कहा कि पानी निकासी के मद्देनजर नालियाँ खोदी जा रही हैं। तालाब के लेफ्ट वेस्ट वियर साइड में जो कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे क्या है कि पानी की निकासी बराबर नहीं हो रही थी, तो सिंचाई विभाग का कहना था कि उसमें पाइप डालना आवश्यक है, अन्यथा पानी डैम में भर जाएगा मोदी तालाब में। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वो पुलिया पर 1000 mm के दो रोड डालने का निर्णय लिया है कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार, जिसमें कल रात को 1 बजे तक पूरी खुदाई करके 4 पाइप डाल दिए गए। अब वो पाइप डालने के बाद आगे जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें लोगों ने अपने हिसाब से मिट्टी विट्टी भर के और लेवल को ऊंचा कर दिया, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। उसमें सीएमओ साहब और उनकी टीम लगी हुई है पानी को आगे निकालने के लिए, बाकी हमारे पलिया के 4 पाइप डल गए हैं बेड लेवल तक। तो अब जैसे वो आक्रोशित है कि हमें जाने होने का रास्ता नहीं है? नहीं, वो सीएमओ साहब निर्णय करेंगे वो तो, लेकिन पानी निकालना आवश्यक है क्योंकि वो नहीं तो बस्ती में पानी भर जाएगा, अगर दूसरे लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो वो सीएमओ साहब और अपने अमले के साथ वो आके निर्णय करेंगे आगे क्या करना है। वहीं इस मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने कहा कि व्याप्त समस्या का वैकल्पिक सुधार किया जाएगा। मैं नाला निर्माण के लिए खुदाई कर दी गई विभाग के द्वारा, वहाँ पे नल के पाइप भी फिट गए, लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना यह है कि प्रशासन जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ताकि सुविधा हो सके, लेकिन उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था में अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया सर, ना उनकी आवाजाही बन पाई है ना ही पानी मिल पाया उनको। क्योंकि वहाँ पर जो है जो मकान बने 4-5 मकान हैं, अगर उनका पाइप टूटा है, पानी का पाइप टूटा है, तो नगर पालिका से कर्मचारी भेज के पाइप लगवा दिया जाएगा करके, तब तक ले लगे तो हम एक टैंकर खड़ा कर देंगे उनके लिए। दूसरी बात आवाजाही के लिए उनके पास जो वहाँ पे खंभे होंगे पड़े हैं वो भी वहीं डालना पड़ेंगे उनको, क्योंकि वहाँ से पानी निकासी किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है पानी तो जा रहा है लेकिन कम मात्रा में जा रहा था, तो रात को वहाँ पर खुदाई करके अतिरिक्त पाइप डाले गए हैं, तो उस पाइपों से पानी की निकासी हो रही है, लेकिन आगे इनकी जो छोटी पुलियाँ होने और वो होने से कम पानी निकल रहा है, तो वो उसको इसलिए चौड़ा किया जा रहा है, नाले को आखिर तक का चौड़ा किया जा रहा है। सर, नाले का निर्माण कब तक कराया जाएगा? नाले के निर्माण को भी समय लगेगा, अभी कच्चा नाला खोदा जा रहा है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आरटीओ और यातायात अमले के द्वारा सख्ती से वाहनों की जांच की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के दायरे में अगर नेताओं के वाहन आते हैं तो वाहनों की जांच कर रहे अधिकारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को वेनगंगा पुल के पास स्थित नाके पर यातायात पुलिस के द्वारा वाहनों की जाँच के दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के हूटर लगे वाहन को रोका गया, जिसके दौरान मामला गर्म हो गया। हूटर रखने की अनुमति को लेकर पुलिस अधिकारी के द्वारा एसडीएम कार्यालय के रीडर से चर्चा करने के बाद वाहन को छोड़ा गया। कार्रवाई करती है, उसके पास वैध है, जैसे लाइसेंस वैध है तो वैध है, अवैध है तो अवैध, सीधी बात है। ये मोटर व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इस कार्रवाई के संबंध में यातायात थाना के उपनिरीक्षक मनोज कुमार मेहरा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जो भी गाड़ियां जिनमें कि बिना अनुमति बिना कमर्शियल वाहन जो चलते हैं बिना रजिस्ट्रेशन और बिना परमिट के चल रहे हैं उनकी कार्रवाई, प्लस ऐसे वाहन जिनपे की बॉडी पे छेड़छाड़ की गई है और अवैध रूप से हूटर सायरन बत्ती वाले वाहनों पे कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी जानकारी लगी थी कि थोड़ी देर पहले एक विवाद हुआ था कि भाजपा नेता के बड़ा नेता भाजपा का बालाघाट जिले का, उसकी गाड़ी में हूटर लगी थी, उसे रोका गया था, तो काफ़ी विवाद भी हुआ था, जानकारी लगी। विवाद नहीं हुआ था, उसकी गाड़ी में विधिवत परमिशन थी, क्योंकि मेरी
लीडर साहब से बात हुई थी, एसडीएम लीडर से, उनको अनुमति दी गई है। तेरह तारीख हूटर की नहीं, बत्ती प्लस है हूटर की, तो अभी अनुमति उनको पेंडिंग है, बट उनके पास विधिवत परमिशन थी, सभा हवा में जाने की कोई परमिशन थी उनके पास। तो लीडर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था गाड़ी में होटल है, उस पर कार्रवाई नहीं, उस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई है क्योंकि उनके पास परमिशन थी। जो भी है आदेश जो मिला हुआ है वैध अनुमति कार्रवाई वालों पे नहीं करना है, अवैध वालों पे करना है। सर ये सभा के समय ही लगा सकते हैं या सभा के मतलब ऐसे भी है ना, ऊपर से आदेश मिलता है, यदि उनके पास लिखित में आदेश है तो वैध है, यदि लिखित में आदेश नहीं है तो अवैध है। समनापुर के टेकाड़ी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से ट्रैक्टर चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। 2 सितंबर को यह हादसा उस वक्त घटित हुआ जब चालक सहित 4 लोग जंगल नाले से टेकाड़ी लौट रहे थे। चारों घायल चालक रकीब खान, दिलीप बनोटे, उसका छोटा भाई अनिल बनोटे और संदीप मस्खरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में से दिलीप की हालत गंभीर है। दिलीप बनोटे, ये दुर्घटना कैसे हुई? आ रहे थे स्पीड से ट्रैक्टर, इसने मोराई से धीरे नहीं किया और आगे आई तो एक साइड घुस रहे थे तो सामान इसमें और सामान ने नहीं समझे तो ये साइड में गिर गया। ट्रैक्टर कहाँ से ला रहे थे भाई? टिकाड़ी से घर आ रहे थे। क्यों गया था ट्रैक्टर? रेत के लिए। तो खाली पलटा क्या? हाँ खाली। तो आप लोग कहाँ बैठे थे? इंजन में बैठे थे हम लोग पूरा 4 लोग। तो पलटा कहाँ पर है? छोटी टिकाड़ी और बड़ी टिकाड़ी के पीछे पीछे। रोड पलटा की बंदी में? बंदी में। तो आप कैसे आए यहाँ पे? आपको कैसे आया यहाँ पे? एम्बुलेंस। कितने लोग घायल हुए थे? 3 हुए, एक का हाथ टूटा और एक को बक्के में लगा और वो तो उसका बक्का टूट गया। 4 लोग थे लेकिन वो फेंका गया था दूर, तो उसका बक्के में किरोच है। इस घटना के संबंध में EMT रेखा भोयर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये रेत से भरी जो ट्रैक्टर है वो खाली करके वापस अपने घर को टेकाड़ी आ रहे थे, तो टर्निंग में इनकी ट्रैक्टर अनबैलेंस हो गई और पलट गई, जिससे 4 लोग, वो एक इंजन के नीचे दब गया था, बाकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है। अभी हालत कैसी है चारों की? चारों का फ्रैक्चर है, मतलब चारों में 4 लड़के हैं जो 21-22 वर्ष के, 1 18 साल का, किसी की कालर बोन टूट गई है, तो मतलब फ्रैक्चर है, चारों गंभीर है। आपको सूचना कैसे मिली? सूचना हमको वहाँ पर एक चलते राही ने दिया कि एक ट्रैक्टर पलट गई है और चार लोग दबे हुए हैं, तो आप जल्दी जा करके 108 से उनको प्राथमिक उपचार करते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कितने लोग गए थे आप यहाँ से? हम यहाँ से 2 लोग जाते हैं, एक टेक्नीशियन। सरकार वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते बालाघाट जिले में लगातार वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही पुलिस ने तेंदुआ का शिकार कर खाल की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वही रविवार को एक चीतल का शिकार किया गया है। हालांकि वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ताजा मामला बालाघाट के वारासिवनी का है, जहां पर चीतल का शिकार करने वाले सुनील, धनेंद्र, मनोहर, राजू नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी लालपुर के ही रहने वाले हैं। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी वासनिक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज कार्रवाई ये हुई कि कल शाम में जैसी घटना की जानकारी लगी थी कि चीतल नर का अवैध शिकार हुआ है, तो तुरंत मौके पे वहाँ एक आरोपी जो मिला था, सुनील नाम था उसका, सुनील को दबिश देकर, मतलब सुनील को वहाँ मौके पे पकड़ा। उसके बाद फिर उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि 3 आरोपी और उसके साथ में उसके सहयोगी 3 आरोपी जो लोग हैं साथ में हैं और वो लालपुर के रहने वाले हैं। घटना कहाँ की? घटना अपना खड़गपुर से जो लालपुर चलते हैं उस बीच में एक आरक्षित वन क्षेत्र है, कंपार्टमेंट नंबर 543, जिसमें इन लोगों ने अवैध शिकार किया था और वन्य प्राणी चीतल नर का। तो सर ये आरोपी जो है पकड़े गए, पूर्व में भी वन अपराध में क्या शामिल रहे हैं? नहीं, पहले तो इनकी कोई जानकारी नहीं है अभी तक, लेकिन इन्होंने जो अपराध किया है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि उससे पहले भी इन्होंने कोई अपराध को घटना को अंजाम दिया होगा। ये घटना में और भी कोई लोग शामिल हैं? नहीं, इसमें तो अभी कम से कम जो लोग थे शामिल वो सभी सारे गिरफ्तार हो गए सुबह। सारे आरोपी? तो शिकार किस तरह से किया सर? शिकार इन्होंने कुत्तों को दौड़ा करके शिकार किया है इसका, जो मौके पे हमने जैसे देखा है उससे, वो शिकारी कुत्तों के द्वारा इसका शिकार किया है। धारा वही है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत धारा पे।
शासन के द्वारा आयोजित मिल बांचे कार्यक्रम लालबर्रा ब्लॉक के समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, पंजीकृत नोटिवेटरों सहित ग्रामीणों ने बच्चों के साथ समय बिताया और ज्ञानवर्धक जानकारियां दी। नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय व प्राथमिक शाला लालबर्रा में यह कार्यक्रम जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल के मुख्य आतिथ्य व भाजपा महिला मोर्चा मंडल लालबर्रा अध्यक्ष श्रीमती अनीता अग्रवाल, पालक शिक्षक संघ सदस्य शशिभूषण रंगारे, युवनेश शरणागत सहित अन्य मोटिवेटरों की उपस्थिति में हुआ। अतिथियों ने कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से संवाद स्थापित किया और उन्हें किताबों से दोस्ती कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने कहा कि जीवन में शिक्षा का होना बेहद जरूरी है, इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नवाचार करते हुए मिल बांचे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इससे विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने मिल रहा है। कोई एजुकेयर में जा रहा है, कोई सतपुड़ा में जा रहा है, कोई बालाघाट जा रहा है, कोई अच्छे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं। उनकी फीस 50,000, 30,000, 10,000, 12,000, 15,000 है। ये हिंद भावना आप निकाल रहे हैं। आप कहीं भी उनसे किसी भी किस्म से कम नहीं है। और ये सारी चीज हमने आपने कुछ आपके आठवीं क्लास के स्टूडेंट से जानकारी ली, उन्होंने सारी चीजों का उत्तर सही नहीं दिया। हमें शिक्षा समिति का सभापति होने के कारण प्राइवेट लेकिन वहाँ ठेको ज्यादा है। हफ्ते में 4 दिन, मंडे के दिन ये यूनिफॉर्म, संडे के दिन ये, सैटरडे ये, इस रंग के जूते, इस रंग के मोजे, ये सारे खर्चे ज्यादा बताएंगे आप। आज स्कूलों में ये कार्यक्रम है, इसके लिए इतने आगे बैठा, आज शिक्षा दिवस मना रहे हैं, इसके लिए इतने लाभ। ये सारी चीज से दूर आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ गए और इतना बढ़िया अनुशासन और इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये गर्व की बात है। मैंने आपके एक भी शिकायत को नहीं रखा था, आठवीं क्लास में बना लिए आदरणीय भाभी जी भी थी, हम पूछना चाहते थे उनसे, उनको हमने हर किस्म से पूछने की कोशिश की गवर्नमेंट स्कूल की ओर, जरूर आएगा वो दिन। जी सर, आपका परिचय? मैं रविशंकर हनुमत, अध्यापक, एक्सीलेंस मिडिल स्कूल लालबर्रा। जी सर, कौन सा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? ये गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार प्रतिवर्ष मिल बांचे कार्यक्रम घोषित होता है, जिसमें वॉलंटियर जो होते हैं एक माह दो माह पूर्व में अपना पंजीयन कराते हैं, जिसमें आज हमारे यहाँ 21 तारीख की डेट में श्रीमती अनीता अग्रवाल, अपने सभापति जायसवाल जी, इन्होंने हमारे यहाँ के वॉलंटियर है और दो साथ पालक हैं। एक स्कूल में 5 लोगों को अथराइज किया जाता है पंजीयन करने में, हमारे यहाँ 5 लोग उपस्थित हैं और जब वो आते हैं तो हमारे प्रारंभ में 10 बजे शाला लगने के बाद पूरी गतिविधि पर अध्ययन करते हैं और उसके बाद वो मार करते रहते हैं, हर क्लास में जाकर के बच्चों के साथ अपनी बातें रखते हैं, कुछ बच्चे उनके साथ बातें रखते हैं, जिससे कार्यक्रम में आपस में सामंजस्य स्थापित होता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार शनिवार को लालबर्रा विकासखंड अंतर्गत हाई स्कूल ग्राउंड में मुख्यमंत्री कप 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें बारिश की वजह से खिलाड़ियों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। खेल मैदान में पानी जमा होने व कीचड़ की वजह से प्रतियोगी खिलाड़ी बच्चों ने गिरते पड़ते दौड़ लगाई। विकासखंड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शालाओं के बच्चों ने भाग लेकर दौड़, कुश्ती, कबड्डी में बालक बालिकाओं ने खेल के जौहर दिखाए। अंत में विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और ग्राउंड नंबर 2 पर जो मैच हो रहा है, खारी ओ वर्सेस लालबर्रा उत्कृष्ट टीम,
सर आपका परिचय? सर कौन सा खेल आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे? मुख्यमंत्री का टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें 16 साल के अंदर के बच्चे जिसके उम्र 16 साल। सर कहाँ कहाँ से बच्चे हैं यहाँ पे? लालबर्रा स्कूल, ददिया, बबनी, खारा, खिजरी और नेवरगांव, बिपशोला। सर कौन कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है यहाँ पे? एथलेटिक्स के पूरे इवेंट, दौड़ हो गया, गोला फेंक, लंबी कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप और कबड्डी, कुश्ती, कराटे, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो सर छात्र छात्रों जहाँ पे पार्टिसिपेट किए जिन्हें उनके लिए क्या सुविधा? इन्हीं के लिए क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेंगे और लंच मिलेगा भी। उसके बाद जो फर्स्ट आएगा उनको जिले में 6 तारीख को 6 या 7 को टूर्नामेंट होने वाले दो तीन दिन से। और सर इनको पहनने के लिए जैसे कबड्डी दौड़ है किट जिले लेवल में मिलेंगे? सर यहाँ पे ब्लॉक लेवल में कुछ सुविधा यहाँ पे? वारासिवनी के जैन दिगंबर मंदिर में सर्व समाज के द्वारा राष्ट्रहित के क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम सांसद बोध सिंह भगत, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र सिंह निर्मल, जैन दिगंबर समाज के अध्यक्ष संजय कासल सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों के द्वारा महाराज जी के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गई। समर्पित करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे संत दुर्लभ लाखों में, और हमें भी जीवन में तरुण सागर जी के प्रवचन उपदेश सुनने का अवसर मिला। ये ऐसे संत हैं जिनने जो माया मोह लालच सबसे विमुक्त थी, कोई भी बात करने को कभी संकोच नहीं करते थे, ना कभी कोई किसी प्रकार का उनको भय सताता था, चाहे वो कितनी भी बड़ी देश की हस्ती हो, उनका उद्देश्य शिक्षा प्रद होता था। और जिन लोगों ने उनके उद्देश्य को, उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया, मैं समझता हूँ उसका जीवन धन्य हो गया। और ये संतों की कृपा है। मैं तो कहता हूँ ये भारत माता, ये जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब ऐसे संत महापुरुष जन्म लेते हैं, उन्हीं में से ये एक थे। एक बार हम बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तरुण सागर जी वहाँ रुके थे, वो आए उनके दर्शन। जब मैं दादा वाणी उनके दर्शन के लिए गया तो देखा टेढ़े मेढ़े पैर, टेढ़े मेढ़े हाथ, तो मुझे अष्टावक्र मुनि का ध्यान आ गया। मैंने कहा एक अष्टावक्र थे राजा जनक के गुरु, और ये तरुण सागर है भारत के महान संत। और कहा है गुरु पथ गामिनी, गुरु के पथ पे चलना, जो गुरु बताए। जब मैंने उनको विवेकानंद क्लब पे सुना तो बहुत सी चीजें आज भी जीवन में उनके बताए मार्ग पर मैं चलने का प्रयास करता। भाइयों बहनों, जब राजा जनक की सवारी उनके राजमहल से निकली राजधानी की ओर जनकपुर में, तो जब राजा महाराजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री चलते हैं तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अब अष्टावक्र मुनि भी पहुंच गए वहां, देखा अभी राजा की सवारी निकली नहीं है, उनका रथ नहीं निकला है और हजारों लोग सड़क पर। उन्होंने देखा मिनटों घंटों बीत गए, तो सोचा ये इतने सारे लोगों का, जनता का कितना समय सड़क पर नष्ट हो गया। विजयांजलि देने के लिए हम सलाम करते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है वारासिवनी का, उनके चरण इस जगह में पड़े और न केवल वारासिवनी बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लोगों ने उनके प्रवचन को सुना। सर्वे प्रवचन भले उनके भाषण में रहे होंगे परंतु
ऐसा लगता था कि आम्रपाणी हमारे कानों में आ रही है। आज हमारे नहीं है, परंतु उनके द्वारा दिए गए प्रवचन पूरे संसार में फैल रहे हैं और इस समय आवश्यकता है उनके उनके प्रवचन को ग्रहण करने की। मैं अपने देश से, अपने समाज की ओर से, मैं अपने श्रोता मध्य समाज की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि करते हुए आप सबसे जिन्हें अपने कर्म रोशन कहा जाता है, कर्म इसलिए थे कि वो सच बता रहे हैं। बाकी सभी सब धर्म पे प्रवचन देते हैं, पर तनु साले भी धर्म के साथ साथ दरबाबी ने कहा सामाजिक और व्यवहारिक बातें क्या करते हैं, जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण थी, हमारे जीवन से जुड़ी बातें बात करते हैं, वो जरूरी है। सत्य होता है जो समाज को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, और तनु साले जी वही थे। तनु साले चूंकि वारा सुनवाए थे, हमें उनका साहित्य मिला था उन्हें सुनने का, उनके अभिनंदन करने का। तरु सावर जी ऐसे संत थे, उनके बोलने का अंदाज था जिसको मैं कई बार उनको सुनता था, पहले वो धीरे धीरे बोला करते थे, अचानक किस पर बोला करते थे। तरु सागर जी को हमें जानते हैं उनके बोलने का अंदाज था, धीरे धीरे बोलने का, अचानक जोर से बोलना उसे भी याद किया जाएगा। जब वो माता सुन के आए थे, मुझे याद है हमारे स्टेडियम में, तो पूरा से हमने सुनने आया था। तरु सागर जी महावीर स्वामी जी को जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी भगवान की जय। मैं आज मुनिवर श्री तरुण सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन करता हूँ और आज की विद्यांजलि सभा में पूर्व वक्ताओं द्वारा लगभग सभी चीजों पे बताया गया है, लेकिन तरुण सागर महाराज जी का एक पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक संबंधों और व्यावसायिक जीवन के लिए भी बड़े तात्कालिक समीचीन सरल उपाय दिए गए थे कि आप कैसे सफलतापूर्वक इन सभी चीजों का निर्वहन करें। उस चीजों में उनका कहना था कि रिश्तों में जो भी कड़वाहट है उसको बातचीत से, उसको हर समय एक सतत प्रयास करते हुए समाधान खोजना चाहिए। लगातार हो रही बारिश के कारण लालबर्रा के उमर झोला तालाब की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जिसके कभी भी ढहने का डर बना हुआ है, जिसमें तीन ग्रामों पर खतरा मंडरा रहा है। इस तालाब की जानकारी मिलने पर जब पद्मेश न्यूज टीम तालाब पहुंची तो स्थिति काफी अव्यवस्थित नजर आई। जहां एक ओर जनप्रतिनिधि तालाब का मुआयना करते नजर आए, वहीं विभागीय उपयंत्री बेफिक्री से दिखाई दिए। उतने दूर मत रखो ना भाभी, पास में ले आ, पास में ले। वो तो बोला था यहाँ गिरा था, यहाँ रखो, यहाँ पे बीच में रखो ना, ये घोड़ी यहाँ थोड़ा सा दूरी रखो, उतनी दूरी पे रहने देते, तो बीच में खाली बोरी वहीं पे रखो ना। अच्छा डाले तो अच्छा, थोड़ा सा अच्छा से दबाना भाई, वहाँ नहीं है। अरे आए बोल रहे हैं ना, थोड़ा देख देख कहाँ से बन रहा है, देख लो देखने में क्या जाता है। अभी तो वहाँ वहाँ था, वहाँ कहाँ मिल गया था, पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, दबा के दबाते जा, दबा के जा। अरे पहले दबाओ उसको, पाँव से दबाओ उसके। अच्छा सर वो नीचे करो और नीचे जा, अपन इससे जा नीचे की ओर, इससे अपन जा रहे हैं, उसके बाद इतना ही गड्ढा ऊपर रहेगा, अंदर अपन पहले खोलेंगे जो पाइप आ रहा है, नहीं वो जो पाइप आ रहा है, वो जो पाइप आ रहा है उस पे चले जाएंगे और इस पे अपन काली चिकनी मिट्टी से कंप्लीट कर देते हैं, तो हमारा ये भी सेफ हो गया। नहीं नहीं यही मिट्टी से पैक हो जाएगा ना, ये मिट्टी उस पे डाल रहे हैं और अंदर में हम लोग चिकनी मिट्टी डाल रहे हैं, दोनों काम साथ में करो, दोनों काम साथ में, इसको भरना निकालो, इसको करके देखो थोड़ा, थोड़ी सी पसीना निकलेगी तो देखने वाले मदद कर देंगे। राहुल तूने डब्बा लाया कि नहीं, सिरी उसको थोड़ा सा काटते, इधर बढ़ो मिट्टी को खींचो, इधर मिट्टी को बाल बाल फेंको ना सर, वो मिट्टी नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी सर, उसमें हम करवा देते हैं सर, वो देखते हैं। नहीं खुद के गिरे घमेले में मिट्टी निकल, मिट्टी निकल सकती है भैया, मत तो जाओ अभी, फिर शाम को नीचे नीचे से मारना यार, अभी तो आपका गड्ढा भर जाएगा, गड्ढा भर जाएगा। हाँ वो जो पाइप आ रहा है ना पानी, उसको चेक करके आओ, इधर काटते जा, काटते जा बेटा, साइड को लगता है सर पानी का लेवल जो है ना
चर्चा में अधिकारियों ने कहा कि किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति नहीं है, ना टीएनपी है ना कुछ है, सब है ना, मतलब ऑक्शन हो चुके हैं, नए खरीदने को मिल नहीं रहे। अगर आप ऐसी विकट स्थिति स्थिति में क्या कर सकते हैं, लेबर से कर रहे हैं, जल उपभोक्ताओं संस्थाओं से काम करा रहे हैं, जो भी है संस्थाएं बनी है उनसे काम कराते हैं, पर अभी जैसे वहाँ बुड़के के लिए उतरने की ठीक है ना, कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से कोई चीज नहीं होती है, एकदम से नहीं होता, करते हैं धीरे धीरे कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, पूरा गांव उधर दहशत में है, कुछ नहीं हो जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला यार, हम लोग परसों आके रात को देखे हैं कुछ नहीं होने वाला, परसों रात से स्थिति सामान्य है, परसों रात में यहाँ पर पैकिंग हो रही थी, वहाँ पर पानी डाला जा रहा था परसों रात, फिर कल सुबह इसको है ना पैकिंग किया, जब कहीं जाके पानी ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है, क्या देख रहे हो ना, पांच जगह पे ये देख रहे हो, ये झाड़, झाड़ के पास ही ये झाड़, इससे क्यों आ रहा है, जड़ के पास ही क्यों है, जड़ की जड़ के जड़ अंदर से जड़ ने दीपक ने नहीं जड़ गई होगी, जड़ के पास है ना चारों मिट्टी तरह होगी, अच्छा मिट्टी के लीकेज होगी, जड़ के कारण, अभी टोटल विभाग की तरफ से साफ सफाई है वो सब बंद, विभाग की तरफ विभाग ने जल उपभोक्ता दे दिया, वो जल उपभोक्ता उनके पास बजट। हेलो, मैं घनश्याम मरावी एसडीओ वारासिवनी अदानहर, मुझे 28 तारीख को वाराणसी सब डिवीजन में बैठा तो हमारे भोपचे अमीन जी बताए कि ये तालाब जो है रानी मौजूदा तालाब में कुछ होल लगे हैं तो आप देख लेते साथ में चल के, मैं तुरंत हम हमारे गर्वे साहब समझियार हमारे भोपचे जी के साथ में हमने यहाँ तुरंत मौके पर इस पार्ट पे आए और देखे कि जो दो चार होल लगे थे, ये होल उस दिन तो ऐसा मतलब चूँकि स्थिति कंट्रोल में थी, ऐसा कि उसे नहीं तो पानी निकल रहा था और पानी छन्ना निकल रहा था, जैसे ज़्यादा गंदला नहीं छन्ना ही निकल रहा था, तो स्थिति तो देख पे हमने भी चूँकि हमारे यहाँ जो 29 तारीख को जल उपभोक्ता संस्था के जो चुनाव चल रहे थे की भी 29 तक प्रकाशन होना था, प्रारूप खागा प्रकाशन होना था, तो हमने भी आपको निर्देश कर दिए भोपचे जी को कि ऐसा कीजिए आप कि सेकेंड डे मतलब आप 10-25-50 जितने भी लेबर मिले यहाँ पर लोडिंग वोडिंग करवा दीजिए, तो भोपचे जी से मैं सेकेंड जब मैं पूछा तो बोले कि नहीं मैं सदस्य यहाँ के जो सदस्य है वो सदस्य को मैं निर्देश कर दिया हूँ कि यहाँ पर संस्था के माध्यम से लेबर लगा दिया जाए, नहीं तो आपके विभाग से क्या फंड अवेलेबल हो रहा है, फंड हमारे संस्था खाते में, संस्था अध्यक्ष हमारे जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष श्री उमर सिंह विके है। वही ग्रामीणों का कहना है कि यदि 2-3 दिन तेज बारिश हुई तो तालाब किसी भी समय फूट जाएगा, जिसकी तबाही का सामना ग्रामीणों को करना पड़ेगा। जी, क्या हालात निर्मित हुए थे यहाँ पे? मेरा गांव नेत्रा है, मैं पूर्व जनपद अध्यक्ष लालवर्रा, अभी बीच में 3 दिन पहले अचानक ग्राम पंचायत पिपरिया सरपंच विजय टेमरे जी ने इन्फॉर्मेशन दिया और ये तालाब की जो हमारे अमीन साहब बोपचे जी ने हमें जानकारी दिया कि तालाब की काफ़ी विषम परिस्थिति है और करीब 48 घंटे जो हेवी रेन्स हो रहे थे उससे तालाब की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, करीब वेस्ट वियर इसका 2.5 से 3 फुट बह रहा था और उसी बीच करीब ये तालाब को बनने को आज 1975 से 80 के बीच निर्माण हुआ है और उसके बाद ये किसानों को हस्तांतरित हुआ, लेकिन तब से आज तक इस पर जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया है वो अभी तक कुछ नहीं, जिसके परिणाम से ये स्थितियाँ निर्मित हो रही है, यानी इसकी एज करीब करीब 40 से 45 साल हो गए। क्या लगा आपको जब जानकारी विभागीय अधिकारियों को मिली कि ऐसी विकट स्थिति बनी है, आप लोग यहाँ मौके पे आए, सरपंच लोगों को साथ में लेके आए? हमें जानकारी लगी तो यहाँ ग्राम पंचायत पिपरिया जो सरपंच ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, जो फास्ट जो काम विभाग की ओर से होना था एकदम त्वरित, जो कह लें कि अब हमको 3 गाँव के लोगों को बचाना है, स्थानीय स्तर पर तो ये है कि ग्राम पंचायत यहाँ जो तालाब के हमारे अमीन साहब हैं उनने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, इसलिए विभाग तो अलर्ट था, लेकिन विभाग के पास जो जानकारियां लग रही है कि कोई व्यवस्था नहीं है शासन की तरफ से, इनके पास सबसे बड़ा तो स्टाफ नहीं है। और परिचय, मैं पीतमलाल बोलूँ, जल उपभोक्ता संस्था पिपरिया का प्रभारी अमीन हूँ जी, मैं यहाँ पे करीब 5 साल से इस संस्था के प्रभार में हूँ जी। अभी मतलब आप 2 तालाबों में नजर रखे रहते हैं? नहीं, मेरे पास 9 तालाब है, 2 संस्था है जी,
और नौ तालाब में नजर रखता हूँ और मेरे पास स्टाफ नहीं है, एक तो आदमी है बेचारा कटंगझरी का, उसके साथ मेन रोड से कितना अंदर पड़ता है आपका? ये दो किलोमीटर पड़ता है जंगल में। जंगल में है तो, और यहाँ अकेला आदमी नहीं आ सकता, आप भी देख रहे हैं, अगर मैं अकेला आदमी को सिर खा जाएगा, जंगली पशुओं का भी खतरा है यहाँ पे। हाँ तो जब आपको जैसी जानकारी मिली तब आप अकेले आए थे? नहीं, अपने वो एक कर्मचारी मेरे पास में जी, उसको लेके आया था। पहली बार जब जानकारी मिली तब की बता रहा हूँ जी। ये कब मिली आपको? ये तो अभी 17 तारीख को जो हेवी रेन आई थी 17 जुलाई को, तो 18 तारीख के सवेरे मेरे को जानकारी मिली। जो अपना कर्मचारी है वो डेली क्या कहते हैं रिपोर्ट लेके जाता है, उसने देखा कि यहाँ होल निकल रहे हैं, उसने तत्काल मेरे को फ़ोन किया। 15 मिनट में मैं घर से यहाँ पहुँचा और आके देखा तो कम से कम 4-5 जगह से होल निकल रहे थे। इसकी सूचना भी मैं फ़ोन पे साहब लोगों को दे दिया, उन्हें बोले काम करो जो बन सकता है उतना करा डालो। फिर मैंने लेबर की व्यवस्था करके और जहाँ से पानी निकल रहा था, क्योंकि ऊपर साइड तो घुस नहीं सकता था कोई, और अभी भी अपन ढूंढेंगे तो होल किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ पे हम लोगों ने साहब लोगों के गाइडलाइन के अनुसार वहाँ पर लोड कर दिए जी, बोरिया मंडा दिए। उसके बाद पानी भी कम हो गया, बीच में वर्षा भी नहीं हुई, तब तक कुछ नहीं हुआ। फिर अभी जो 3-4 दिन से हेवी रेन हो रही है, 18 तारीख को अचानक मैं कटंगझरी में था और इतनी तेज बारिश हुई। परिचय? दिलीप हरिनखेड़े, ग्राम पिपरिया कृषक हूँ, इस तालाब का पानी आता है मुझे मेरे खेत में। कैसी स्थिति बनी गांव में जब कल ऐसी सूचना मिली? कल क्या हुआ, पूर्व जनपद अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि तालाब फूटने की कगार पे है जी। अपना लालबर्रा में था, आया बिया के द्वारा जो सूचना दी मेरे को, जहाँ तक जानकारी की जुलाई में ही इस तालाब में 5 होल लग चुके थे जी। अगर जुलाई में ही ये तालाब आधा खाली हो गया था, अगर विभाग जुलाई में सतर्क हो जाता तो कल की घटना नहीं होती, कल की कंडीशन नहीं बनती। जुलाई में 5 होल लग गए थे तो विभाग को ले लेते थे, तो आधा तालाब खाली हो चुका था, विभाग को उसी समय होल बंद कर लेना चाहिए था जी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग क्या देखना चाह रहा था, कि कौन सी घटना घटित करना चाह रहा था। अभी भी ठीक है, घटना घटित हुई, विभाग ने पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन ये कोई हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी होल बंद नहीं हुई है। ऐसे आज आप सुबह 11 बजे से यहाँ पे कंटिन्यू, अभी 5 बज रहा है, आप पूरा यहाँ पे आपने देखा, तो जो होल को जो जनप्रतिनिधि और स्थानीय मजदूरों को लगा करके जो बंद करवाया गया यहाँ पे, तो विभाग के अधिकारी क्या इस मैटर को लेकर के गंभीर नजर आए आपको? जो उच्च स्तरीय अधिकारी है वो तो गंभीर नजर नहीं आया मेरे को, जो इनके उच्च अधिकारी भाई भविष्य में पुनः यहाँ पे तालाब, यही साहब का जो रवैया था वो तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो यहाँ कोई तालाब को घटना कोई घटित हो रही है, कोई होल बांधने आए हो जी। विभाग के पास कर्मचारी नहीं है या ये नहीं है, तो वो अपना अधिकारी अधिकारी वो आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा जी। ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है, आप अकेले अधिकारी हो, जिला के अधिकारी हो, आपको बैनगंगा संभाग के यही हो, आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। मैं विजय कुमार टिम्बे, ग्राम पिपरा सरपंच हूँ। जिस जगह पे खड़े हैं भैया तालाब में, क्या स्थिति है यहाँ पे, कौन सा तालाब है? ये तालाब है रानी उमर झूला तालाब के नाम से है ये वाला तालाब। अभी जो 2 घंटे की शाम की जो बारिश हुई थी, उस दिन 4 बजे करीब हम लोग आए थे और देखा था यहाँ पे होल लगे हुए हैं। कब की बात है ये? अभी 3 दिन पहले जो बारिश हुई उसमें, और तब यहाँ पे जो पानी जल स्तर था वो कम होने की वजह से होल नहीं लगे थे 4 बजे, लेकिन जब शाम की जो बारिश हुई उसमें फिर हम लोग को शक हुआ और हम फिर रात में यहाँ पे आए। यहाँ जो कुमार समाज के जो मछली पालते हैं उन्होंने बताया कि एक पेड़ की जगह से मछली धसी है। उन्होंने हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष जो मुन्ना भी हैं, वो मैं, अमीन साहब, कुछ हमारे गांव के कीर्तिलाल जी पटले हैं, चतुर्वी भीषण जी, 4-5 लोग और लोग आए हैं, यहाँ के जो सदस्य हैं रेखलाल जी पटले, उन लोग सब लोग साथ में आए और यहाँ की जब स्थिति देखे तो ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है। फिर तुरंत में कोई उपाय नहीं था, रात का टाइम था, तुरंत नहर पूरी फुल खुलवाए। उसके बाद दूसरे दिन दोनों पंचायत से, पिपरिया और नेत्रा पंचायत से मजदूर मंगा के, फिर यहाँ पे जो कोशिश कर सकते थे होल बंद करने। मैं अमर सिंह उइके, क्या है आप? पटंगसिरी जल बुद्ध संस्था के अध्यक्ष हूँ। ये तालाब आपकी? हाँ, सिंचाई संस्था अपने संस्था के अंतर्गत आता है ये। पिछले 17-18 जुलाई को भी यहाँ 3-4 होल लगे थे, 4-5। यहाँ के मछली पालने वाले ने जानकारी दी
कि होल लगे हैं, तुरंत आके देखे अब इंसान के साथ होल लगे हुए थे, उनको खिंचवाए बाकायदा बोरियां से पैक कराए। उसके बाद जो वेस्टवेयर चल रहा था उस समय ये कंडीशन आई थी, बाद में वेस्टवेयर कम हो गया, पानी निकासी कर दिए, 10 फीट पे लाके खड़ा कर दिए तालाब को, तो होल कम हो गए। अभी जो 2-4 दिन के पहले जो हेवी रेंज बारिश हुई इससे और वो होल खुल गए। मैं परसों तुमसर गया था, कल जानकारी लगी मुझे कि इस टाइप के और ज़्यादा पानी बढ़ चुका है, तो आके देखे तो सही में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो काफ़ी लोगों यहाँ लेबर वो लगा के नहीं, तो जो खतरा जो बना हुआ था कि तालाब कभी भी फूट सकता था, यहाँ पर जो एट अ टाइम जो 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 बड़े पेड़ के पास जो गड्ढा हुआ था बड़ा, उसको भरा गया, उसके बाद दूसरे साइड से भी जो है होल निकाला गया, उसको ढूंढ कर ही कहाँ है बुड़गा करके, तो इसमें क्या विभाग की ओर से आप लोगों को क्या? नहीं, विभाग की ओर से तो जो लेबर वगैरह लगाए गए हैं उसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो छोटा मोटा काम था पिछली बार बोरियाँ वोरियाँ लगा के विभाग की तरफ से ही काम कराया गया था। अभी अथक प्रयास हमारे कटंगसरी सरपंच, पिपरिया सरपंच और सबसे ज़्यादा जो पूर्व अध्यक्ष जनपद दुलन कुमार ठाकरे जी, इनका आज बहुत ही ज्यादा सहयोग रहा है और अभी भी वो। रामपाली में एक युवक ने मानसिक तौर से कमजोर लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया। रामपाली पुलिस ने इस मामले में संतोष नाम के व्यक्ति पर मामला कायम कर जांच शुरू की है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 31 अगस्त को आरोपी द्वारा लड़की को बहला फुसला कर डोंगरगढ़ ले जाया गया, जहां पर उसने लड़की के साथ दुराचार किया। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी थी। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा जन्माष्टमी पर्व, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ विराजित हुए माखन चोर। 2 तिथियों में मनाया जा रहा जन्माष्टमी पर्व, कृष्ण मंदिरों में हो रहे विविध आयोजन। नहीं थम रहा वन्य प्राणियों के शिकार का सिलसिला, एक चीतल का फिर हुआ शिकार, 4 आरोपी गिरफ्तार, 12 सिवनी का मामला। मोती तालाब के पानी निकासी बनी समस्या, नाली खोदे जाने का वार्ड वासियों ने किया विरोध, अधिकारियों ने समस्या का समाधान का जताया भरोसा। समनापुर टेकारी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, चालक सहित 4 घायल, 1 गंभीर, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। और यातायात पुलिस ने कार्यवाही के दौरान भाजपा नेता के वाहन को रोका, हूटर रखने की अनुमति की जानकारी पर छोड़ा वाहन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।